प्राणियों को भी मात देने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था, जबकि लूना की बुद्धि के सभी दीवाने थे। एक दिन माइथोपिया की भूमि पर एक बड़ा अंधकार छा गया। शैडो बीस्ट के नाम से जानी जाने वाली एक दुष्ट शक्ति भूमि के निवासियों को आतंकित करने के लिए आई थी। शैडो बीस्ट को अपनी शक्ति दूसरों के डर और पीड़ा से मिलती थी, और वह अपराजय लग रहा था। जब अपोलो और लूना ने शैडो बीस्ट के आगमन के बारे में सुना, तो उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी से जल्दी काम करना होगा। उन्होंने दुष्ट प्राणी को हमेशा के लिए हराने की योजना बनाई। अपोलो अपनी चतुराई का उपयोग शैडो बीस्ट को जाल में फंसाने के लिए करेगा, जबकि लूना अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसकी शक्ति को कमजोर करेगी। जैसे ही शैडो बीस्ट माइथोपिया की भूमि के पास पहुंचा, अपोलो हरकत में आ गया। वह जानवर के चारों ओर उड़ता रहा, उसे चिढ़ाता रहा और उसे गांव से दूर ले जाता रहा। एकमात्र मधुमक्खी द्वारा परास्त किए जाने से क्रोधित छाया जानवर अपोलो का अंधाधुंध पीछा करते हुए लूना द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। जब छाया जानवर जाल में फंस गया, तो लूना ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके भूमि की सकारात्मक ऊर्जा को प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण में बदल दिया, जिसने प्राणी को उसके मूल में पहुंचा दिया। छाया जानवर ने एक गगनभेदी चीख निकाली, क्योंकि उसकी शक्ति क्षीण होने लगी थी। भूमि की शुद्ध अच्छाई से वह कमजोर हो गया था। एक अंतिम धक्का देकर अपोलो और लूना छाया जानवर को हमेशा के लिए माइथोपिया से भगाने में सक्षम हो गए। भूमि एक बार फिर से प्रकाश में नहा उठी और निवासियों ने अंधेरे पर अपनी जीत पर खुशी मनाई। और इस तरह चतुर मधुमक्खी अपोलो और बुद्धिमान हाथी लूना माइथोपिया की भूमि में महान नायक बन गए। उनके नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में छाया जानवर को हराने वाले और अपनी भूमि पर शांति बहाल करने वाले उद्धारकर्ता के रूप में अंकित हो गए। Thank you.